बेरोजगारी से निजात मगर कैसे, नौकरी ना मिलने की वजूहात और इस मसले के हल के लिए रहनुमा तहरीर। दास्तान के तीन हिस्से हैं और मुझे तीन हिस्सों को बयान करने के लिए तीन कहानियां सुनाना पड़ेंगी। हर इतवार को इस कंपनी का इश्तिहार अखबार में लग रहा था और मेरे दोस्त की कंपनी को जल्द से जल्द इस सीट पर एक शख्स को नौकरी देनी थी, मगर 200 लोगों के इंटरव्यू लेने के बाद मैं और मेरा दोस्त सर पकड़ कर बैठ गए, क्योंकि डिग्रियां सबके पास थी और अहल कोई भी नहीं था। हम दोनों करोड़ों की कंपनी को किसी आला तालीम याफ्ता नालायक के हवाले नहीं करना चाहते थे, इसलिए बार बार इश्तिहार लगाकर एक अहल और काबिल शख्स का इंतज़ार कर रहे थे। दूसरी कहानी का किरदार 26 साल वो नौजवान है जो रोज़ अपनी डिग्रियों का अंबार लेकर मेरे दफ्तर आ जाता था। उसके पास सिर्फ नाउम्मीदी थी और ये नाउम्मीदी 100 फुट दूर से महसूस की जा सकती थी। तमाम डिग्रियों के A+ मार्क्स भी इसके मसले को हल नहीं कर पा रहे थे। वो चलता फिरता मायूसी का इश्तिहार बन चुका था। हर मजलिस, हर महफिल और हर जगह मुफ्त मायूसी बांट रहा था। इस मुल्क में तालीम की कदर नहीं। इस जुमले को तस्बीह को पढ़ते पढ़ते वो अपनी जवानी के दिनों को बुढ़ापे के अंदाज में गुजार रहा था। कहानी को मुकम्मल करने के लिए हमें कहानी के तीसरे किरदार प्रोफेसर साहब का तस्करा करना पड़ेगा। प्रोफेसर साहब अरसा 20 साल से यूनिवर्सिटी में वही कुछ पढ़ा रहे थे जो उन्होंने खुद 20 साल पहले पढ़ा था। 20 साल में अपने लेक्चर में ना कोई का निकाला और ना ही कोई के शामिल कर सके। उन्होंने जॉब मार्केट नहीं देखी थी और ना ही उन्हें इन मसाइल का पता था जो डिग्री लेने के बाद तालिब इल्मों को पेश आते हैं। आंखों पर खोपे चढ़ाकर कोल्हू के बैल की तरह 20 साल चलने के बावजूद वो वहीं के वहीं थे जहां से उन्होंने सफ़र शुरू किया था। ये हमारी कहानी की तीन तस्वीरें थीं, मगर इन तीनों को इकट्ठा किए बगैर कहानी मुकम्मल भी नहीं होती और समझ भी नहीं आती। जॉब मार्केट को समझने से पहले याद रखिए कि एक नौकरी देने वाला है, दूसरा वो है जो कि नौकरी की तलाश में है और तीसरा वो है जिसने नौकरी की तलाश करने वाले को पढ़ाया है। नौकरी देने वाला शख्स जिस तरह के फर्द को ढूंढ रहा है वो मिल नहीं रहा। नौकरी तलाश करने वाले को जो कुछ पढ़ाया गया है वो उसमें खूबियाँ पैदा कर नहीं सका जिसकी मार्केट में मांग है, और ना पढ़ाने वाले में खुद वो खूबियाँ मौजूद हैं और ना ही वो दूसरे में पैदा कर सकता है, क्योंकि बर्तन से वही निकलना है जो इसमें डाला गया हो। नौकरी का ना मिलना बेरोजगारी पाकिस्तानी नहीं आलमी मसला है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में 197 मिलियन लोग बेरोजगार हैं। चुनाचे नौकरी से हमारा मुआश और रिज्क होता है, इसलिए माली परेशानी अजाब बन जाती है। बहुत गौर व गौर से ये बात सामने आई है कि हमें नौकरी या काम नहीं चाहिए होता बल्कि पैसे चाहिए होते हैं। नौकरी का मतलब ही ये होता है कि हम अपनी ज़िंदगी और वक्त का एक हिस्सा बेचकर इससे वो रकम हासिल करते हैं जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी हो सकें। आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिनकी मदद से आप अपना बेरोज़गारी का मसला आसानी से हल कर लेंगे। नंबर 1, याद रखिए हर शख्स के लिए नौकरी करना मुनासिब नहीं होता। कई लोगों में बिजनेस करने की पूरी पूरी सलाहियत मौजूद होती है और वो अपने आप को औने पौने दामों दूसरों के हाथों फरोख्त कर देते हैं। इसलिए नौकरी तलाश करने की बजाय अपना काम करने का सोचिए। ये सोचिए कि आपने कई लोगों को नौकरी देनी है। जब आप इस अंदाज से आगे बढ़ते हैं तो आप में एतमाद पैदा हो जाता है। मैं बेशुमार कारोबारी लोगों से मिला हूँ, वो ये कहते हैं कि अगर हमें नौकरी मिल जाती तो आज हमारा जाती कारोबार ना होता, हमें ट्रेन का डब्बा बनने की बजाय ट्रेन का इंजन बनना चाहता है, और हम नौकरी ना मिलने पर दिल हार जाते हैं और एक अच्छा मौका भी गंवा देते हैं। नंबर 2, हम पुराने कपड़े तब्दील कर लेते हैं, बदल लेते हैं, पुराने जूते भी तब्दील कर लेते हैं, लेकिन इन खामियों को तब्दील करने का नहीं सोचते जो एक अरसा से हमारा रास्ता रोक रही हैं। अक्सर देखा गया है कि नौकरी ना मिलने वाले अफराद में तीन तरह की खामियां पाई जाती हैं।
उन लोगों में एतमाद की कमी पाई जाती है। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि आप अगर खुद पर एतमाद नहीं करते तो कोई दूसरा आप पर कैसे एतमाद करेगा। इन लोगों का दूसरा मसला इनकी कमज़ोर पर्सनैलिटी होता है। इन लोगों को अच्छी ड्रेसिंग का पता नहीं होता, इनको बातचीत करना नहीं आती। और तीसरा मसला जो है वो कमिटमेंट का होता है। ये लोग वक्त के पाबंद नहीं होते और ना ही ये लोग प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं। आप अपनी खामियों को जानिए और इनको ठीक कीजिए। वैसे भी खुश अखलाक इंसान की ज़िंदगी में मौके ज़्यादा आते हैं। नंबर 3, हमें ये सिखाया ही नहीं गया होता कि इंटरव्यू देना कैसे है। हमें हाथ मिलाना और सलाम करना, आंखों में आंखें डालकर बातचीत करना सीखना चाहिए। हमें कमरे में दाखिल होने और कमरे से बाहर जाने के आदाब का पता नहीं होता और नौकरी देने वाला हमें ही कमरे में पक्का पक्का बाहर निकाल देता है। आप ये सब कुछ सीखें, हो सके तो किसी एक्सपर्ट से मशवरा कर लें। नंबर 4, अक्सर लोग पूरी मालूमात नहीं रखते, इसलिए वो जिस नौकरी की तलाश के लिए इंटरव्यू दे रहे होते हैं उसके हवाले से कंफ्यूज होते हैं। हमें नौकरी और कंपनी के मुताबिक अपना इल्म बढ़ाना होता है। अगर ये हम ना करें तो नौकरी देने वाला आप पर कोई तवज्जो नहीं देगा, क्योंकि आपको सिर्फ नौकरी चाहिए, उसकी कंपनी में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। नंबर 5, ये बहुत बड़ी हकीकत है कि स्कोप किसी फील्ड में नहीं होता, बल्कि स्कोप उस बंदे की खूबियाँ और सलाहियतों में होता है जो किसी फील्ड को मुंतखब कर रहा होता है। इसलिए अपना स्कोप बनाइए, खुद को कीमती बनाइए। अगर आप कंपनी की ज़रूरत बन जाते हैं तो कंपनी आपकी ज़रूरियात खुद बखुद पूरी कर देगी। आप किसी जगह नौकरी के लिए जाएं तो उनकी ज़रूरियात और टारगेट को सामने रख कर जाएं। याद रखें, कोई कंपनी अपने फ़ायदे के बंदे को मिस नहीं करना चाहती। नंबर 6, हम अपनी डिग्री मुकम्मल करते हैं और इसके फौरन बाद तमन्ना करते हैं कि हमें तोपों की सलामी के साथ एक अच्छी नौकरी मिल जाए। हम बड़ी से बड़ी नौकरी चाहते हैं और वो नहीं मिलती। अगर हम ये तवक्का छोड़ दें और किसी छोटी मोटी नौकरी से अपने करियर का आगाज़ कर लें तो कुछ बरसों की मेहनत के बाद हमें एक अच्छी नौकरी मिल जाती है। 5 लाख रुपया तनख्वाह, एक अदद 1800 cc कार और कनाल के घर वाली नौकरी करने वाले शख्स से मैंने ये राज पूछा था कि इतनी कमाल की नौकरी कैसे ली। उसने बहुत खूब जवाब दिया। मैंने कंपनी की टेंशन लेनी शुरू की और कंपनी मेरी हर टेंशन को दूर कर देती है। नंबर 7, हिजरत करें, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारा दाना पानी किसी और जगह लिखा होता है और हम हिजरत का चांस नहीं ले रहे होते। अपने रवाबित में तलाश करें, कहीं ना कहीं कोई आपको तलाश कर रहा होगा। आप इलाका, शहर, गांव और मुल्क बदल कर देखें, आपकी तकदीर बदल जाएगी। नंबर 8, बाज़ लोग ऐसी नौकरी की तलाश में होते हैं जिसमें काम ना करना पड़े। मेहरबानी फरमाकर आप पहले एक हार्ड वर्कर बने। अगर आप मेहनती नहीं तो आपको कभी भी अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, और मिल भी गई तो इसमें आप तरक्की नहीं कर सकेंगे। सारी ज़िंदगी क्लर्क बादशाह की तरह गुजार कर एक दिन रिटायर्ड हो जाते हैं। हमें नौकरी की बजाय काम तलाश करना चाहिए। अगर काम मिल जाए तो तरक्की इंसान खुद बखुद कर जाता है। अपना तर्ज फिक्र तब्दील किए बगैर नौकरी नहीं मिल सकती। नंबर 9, किसी जगह इंटर्नशिप करें, किसी भी कंपनी के लिए 2 या 3 माह के लिए मुफ्त काम करें। दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में तालिब इल्म अपनी डिग्री मुकम्मल करने के बाद बग़ैर मुआवजे के किसी जगह पर काम करते हैं, ताहम उनमें नौकरी करने की समझ बूझ पैदा हो जाए। अगर आप बासलाहियत हैं तो कंपनी आपकी इंटर्नशिप को मुस्तकिल नौकरी में तब्दील कर देती है। इंटर्नशिप मंगने की तरह होती है, अगर ये कामयाब रहे तो शादी यानी नौकरी पक्की हो जाती है। ये बात ना भूलिए कि नौकरी की तलाश एक मुश्किल काम है, हिम्मत ना हारिए। अगर आप अहल हैं तो कोई ना कोई आपको तलाश कर रहा है, और अगर आप अहल नहीं हैं तो फौरन अपने अंदर अहलियत पैदा करें।
एक राज की बात आपको बता दूं कि हमारी ज़िंदगी में आने वाले मौके अच्छे इंसानों की शक्ल में होते हैं और हमें इंसानों से प्यार करना, अच्छा बर्ताव करना और दूसरे के काम आना नहीं आता, इसलिए इंसान दूर नहीं जाते बल्कि मौके दूर चले जाते हैं। नाज़रीन, नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह नेहबान।